नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा गरीबों के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं ताकि गरीब असहाय परिवारों को इसका लाभ मिल सके, पर कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें इसका लाभ नहीं मिल पा रहा। ऐसा एक मामला आगरा के बाह ब्लॉक क्षेत्र के गाँव फरेरा में देखने को मिला है, जहाँ आर्थिक तंगी से जूझ रहा परिवार भूखों मरने की कगार पर है। वहीं जब परिवार को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो लाचार परिवार ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इलाज कराने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया कराने की गुहार लगाई है। बता दें कि फरेरा गांव निवासी राजेंद्र ने मुख्यमंत्री सहित क्षेत्रीय विधायक जिलाधिकारी को भी पत्र लिखा है। भेजे गए पत्रों में राजेंद्र ने बताया कि उसका कमर से नीचे का पैरों वाला भाग काम नहीं करता, वहीं एक नसों की बीमारी से भी ग्रसित है, जिसके चलते वो चलने फिरने में पूरी तरह से असमर्थ है। वह इसकी वृद्ध माँ आंखों से अंधी है, जबकि उसका भाई विक्षिप्त बुद्धि का है और 70 वर्षीय वृद्ध पिता राजा राम वृद्ध होने के कारण कुछ कार्य नहीं कर पाते। वो लोग गांव में भीख मांगकर जैसे तैसे दो वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते हैं और कभी कभार तो खाना नसीब भी नहीं होता। आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, गरीब परिवार भूखों मरने की कगार पर आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पत्र लिखकर गुहार लगाई है मदद की, साथ ही साथ क्षेत्र विधायक और अधिकारियों को भी पत्र लिखकर ये मांग की है कि उनके लिए कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाए, उनकी मदद की जाए, क्योंकि कई योजनाएं गरीबों के लिए होती है लेकिन उन योजनाओं का लाभ इस परिवार तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से परिवार भीख मांग कर अपना गुजर बसर कर रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, आगरा से ये खबर सामने आई है जो कि दुखद है। जहां प्रदेश में इतनी सारी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से हों चाहे वो राज्य सरकार की तरफ से हों, जो गरीबों के कल्याण के लिए है, लेकिन ऐसे में एक परिवार ऐसा भी है जो गरीबी की वजह से जूझ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी राजकुमार तिवारी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, एक परिवार ऐसा है जो भीख मांगने के लिए मजबूर है, भीख मांगकर अपना गुजर बसर कर रहा है। प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों के लिए है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। क्या इनकी मदद के लिए कोई आगे आ रहा है? गाड़ी चला रहे हो तुम, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो राजकुमार तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मदद की गुहार लगाई है। जो एक तरफ केंद्र सरकार राज्य सरकार की तरफ से जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ गरीबों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन कई ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों तक नहीं पहुंच पा रही है, उसकी बानगिन तस्वीरों में देखी जा सकती है। ये परिवार है जिसमें कई ऐसे लोग हैं जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं। परिवार की जो मुखिया हैं वो पूरी तरह से असहाय हैं कुछ भी काम करने के लिए। तो आगरा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, आगरा में लगातार परिवार जो है वो भूखों मरने की कगार पर है और भीख मांगने के लिए पूरी तरह से मजबूर नजर आ रहा है। वहीं बिजनौर से एक दिलदार दरार देने वाला मामला सामने आया, जहां इसका खुलासा हुआ है, जहां एक कलयुगी बेटे ने अपने साथी के साथ मिलकर अपनी ही मां की गला घोंटकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी बेटा और उसका दोस्त ड्रग्स का धंधा करना चाहते थे, जिस पर मृतका ने अपने बेटे को डांट फटकार कर लगातार उसको डांटती रहती थी, डांटती फटकारती थी और गलत काम करने से मना भी करती थी। वहीं मां के मना करने पर, डांटने पर, फटकार लगाने से नाराज बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी मां की ही हत्या कर दी और शव को पास के ही गन्ने के खेत में छोड़कर फरार हो गया। बता दें, पूरा मामला जिले के थाना किरतपुर के गांव पीतनहेड़ी का है, जहां 23 अगस्त को आरोपी बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिजनौर का एक पूरा मामला जहाँ पर एक बेटे ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपनी ही मां का कत्ल कर दिया, उसे मौत के घाट उतार दिया। दरअसल बात सिर्फ इतनी थी कि मां उसे गलत काम करने से रोकती थी,
डांटती थी, फटकार लगाती थी, क्योंकि वो ड्रग्स का धंधा करना चाहता था, वो जल्द पैसे कमाना चाहता था। माँ ने डांटा, फटकार लगाई तो बेटा इस कदर नाराज हो गया कि अपनी ही माँ की दोस्त के साथ मिलकर हत्या कर दी। थाना कीरतपुर में 23 तारीख को नवता देवी का एक मर्डर हुआ था, जो 24 तारीख में अभियोग पंजीकृत हुआ था 302 IPC का। घटना का अनावरण किया गया है। जो मारने वाले अभियुक्त हैं उसका सगा पुत्र शुभम और उसका साथी, उसी का सजाती, उसी के गांव का पंकज, दोनों ने मिल करके गला दबा करके हत्या किया था। गांव से करीब 250-300 मीटर की दूरी पर गन्ने के खेत में ले जा करके शुभम को पंकज ने इस बैग के धंधे में लगाना चाहता था। उसकी मां ने उसको मना किया। इसको लेकर के काफी विवाद रहता था। वहीं टावर से एक निर्मम हत्या का मामला सामने आया, जहां एक युवक की ईंटों से वार कर दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि युवक का शव मोबाइल टावर के अंदर पड़ा मिला, जिससे इलाके में सनसनी का माहौल है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि मृतक युवक की पहचान 20 साल के दीपू पाल के रूप में हुई है, जो रात को किसी काम से अपने घर से बाहर गया था पर वापस नहीं लौट सका, जिसके बाद जब युवक की खोजबीन की गई तो उसका शव मोबाइल टावर के अंदर पड़ा मिला। मामले में पुलिस हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुट गई है। थाना चौबिया क्षेत्र के अंतर्गत बीना गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, टावर की तस्वीरें, जहां पर ईंटों से वार कर युवक की हत्या कर दी गई है। एक नहीं, दो नहीं, करीब 10 बार ईंटों से वार किया गया, यानी कि दर्दनाक तरीके से युवक को मौत के घाट उतारा गया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है, इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। इटावा का ये पूरा मामला है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि जो युवक है वो 19 साल का था और घर से बाहर किसी काम को लेकर निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा, जिसके बाद छानबीन की गई तो इसका शव एक मोबाइल टावर के पास पड़ा मिला। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, आरोपी की तलाश में भी जुटी हुई है। इटावा की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर 19 साल का युवक घर से ये कहकर निकला था वो किसी काम से बाहर जा रहा है, लेकिन जब वापस नहीं लौटा कई घंटों तक तो फिर परिवार ने छानबीन शुरू की। छानबीन में जो युवक का शव है वो गांव के बाहर ही एक टावर के नीचे मिला है, जिसके बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार लगातार पुलिस से गुहार लगा रहा है इंसाफ की। पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को भी अपने कब्जे में ले लिया है और इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। गोरखपुर के नौसर चौकी से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुप्ता ट्रेडर्स पर चोरी की अजीब वारदात सामने आई। आपको बता दें कि मामले की जानकारी दुकान संचालक जितेंद्र गुप्ता ने चौकी पहुंचकर दी है। उन्होंने बताया कि सुबह करीब 5 बजे एक चोर जो कि बाइक से आया था, उसने अपनी बाइक दुकान के आगे खड़ी की और पहले से वहां खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली को स्टार्ट कर फरार हो गया। वहीं चोर की सारी करतूत वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो चोर ट्रैक्टर ट्रॉली को चुराने आया था वो अपनी बाइक को वहीं गुप्ता ट्रेडर्स की दुकान के सामने छोड़कर चला गया। वहीं जब इस बात की जानकारी दुकान के मालिक जितेंद्र को हुई तो वो हक्का बक्का रह गया और इसकी सूचना चौकी इंचार्ज अनूप कुमार को दी। फिलहाल मामले में पुलिस CCTV के आधार पर चोर की तलाश में जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें गोरखपुर की हैं, जहां पर अपनी बाइक छोड़कर जो चोर है वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अचानक फरार हो गया है। लेकिन यहां पर बात यह है कि जो चोर था वो अपनी बाइक वहीं छोड़कर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गया है। फिरोजाबाद में बरसात के बाद मौसम में बदलाव आया है और जगह जगह गंदगी और जल भराव दिखाई दे रहा है। मच्छर के प्रकोप से लोग बुखार से पीड़ित हैं। डॉक्टरों की माने तो यहाँ लोगों में वायरल फैल रहा है। ज्यादातर मरीज भगवान नगर, ऐलान नगर, न्यू रामगढ़ के बताए जा रहे हैं। वहीं इन मरीजों में तेज बुखार के बाद गला बंद और तमाम जो लक्षण हैं वो सामने आ रहे हैं। ये संख्या जो है वो लगातार बहुत ज्यादा हो रही है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि तेज बुखार आने के चलते अब तक करीब 25 बच्चों की जान जा चुकी है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में जाकर मरीजों को दवा दे रही है और लोगों को मच्छरों से बचने के लिए जागरूक भी कर रही है। वहीं नगर निगम भी भीड़भाड़ वाले इलाकों में और जलभराव के स्थानों पर फॉगिंग कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से आसपास जो खाली पड़े प्लॉट हैं उनमें गंदगी है, पानी भर गया है, जिसकी वजह से मच्छर उनमें पैदा हो रहे हैं और इसी वजह से वायरल बुखार और तमाम जो रोग हैं वो
लोगों में नजर आ रहे हैं, उसके लक्षण नजर आ रहे हैं। 25 बच्चों की जान अब तक जा चुकी है। नगर निगम द्वारा फॉगिंग तो कराई जा रही है, लेकिन शायद गंदगी और मच्छरों की संख्या इतनी ज्यादा है कि वो फॉगिंग भी बेअसर है। वहीं निचले इलाकों में अभी तक पानी की निकासी नहीं हो पाई है। फिरोजाबाद में वायरल बुखार से लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। 25 लोगों की जान चली गई है। स्वास्थ्य विभाग की एक टीम पूरी तरह से तैयार है, जो गांव में घर घर जाकर लोगों को दवाइयां दे रही है। लेकिन इस बीमारी से लोग दहशत में हैं, क्योंकि चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। बरसात का पानी इकट्ठा हो गया है, जिसमें मच्छर पैदा हो रहे हैं और मच्छरों के काटने की वजह से इस तरह की बीमारियां हो रही हैं। फॉगिंग लगातार करवाई जा रही है, लेकिन उसका भी असर नजर नहीं आ रहा है। तो 25 बच्चों की अब तक जान जा चुकी है फिरोजाबाद में। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जनपद फिरोजाबाद में हम लोगों ने एपिडेमिक सेल स्थापित किया है, जो कमांड कंट्रोल रूम की तरह है, जहां पे हम लोग विभिन्न विभाग के भी और हम अपने से संबंधित लोगों को बिठाकर एक मॉनिटरिंग सेल टाइप का है। हमने टोल फ्री नंबर डिक्लेयर कर दिए हैं, उस पर जनपद का कोई भी निवासी अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है, बुखार का जो प्रकोप चल रहा है उससे संबंधित, कि भाई हमारे घर में परिवार में इसकी तबीयत खराब है, तो हम उसको कोऑर्डिनेट करके पूरा ये मुहैया कराएंगे कि जैसे उसे क्या कहाँ किस परामर्श की जरूरत है, एम्बुलेंस के द्वारा उसे अगर रेफर करने की जरूरत होगी वहाँ हम संदर्भित करवाएंगे। महाराजगंज के कोली थाना क्षेत्र के जंगल गुलीरा से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में एक व्यक्ति किसी सरकारी दफ्तर में बैठकर रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा है। जानकारी के मुताबिक वीडियो में दिखाई दे रहा शख्स चकबंदी लेखपाल है, जिसने जमीन की पैमाइश के नाम पर रिश्वत ली थी, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया गया, जो कि अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपको ये जानकारी दे दें कि मामला महाराजगंज जिले के चकबंदी विभाग का है, जहां से भ्रष्टाचार की ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो लगातार भ्रष्टाचार की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां से रोजाना इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। तो लेखपाल ये बताया जा रहा है, जिसका रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें लेखपाल की शक्ल भी देखी जा सकती है। ये वीडियो इन दिनों तेजी के साथ वायरल हो रहा है। चकबंदी विभाग के लेखपाल ने रिश्वत ली है, किसी ने वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया है, जो कि अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। यानी ये कहा जा सकता है कि भले ही तमाम कोशिश की जा रही हो कि भ्रष्टाचार को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा और प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लेखपाल या कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, लगातार रिश्वत लेने की जिनकी तस्वीरें वायरल हो जाती हैं। महाराजगंज के कोली थाना क्षेत्र के जंगल गुलीरा से ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। वीडियो में एक शख्स किसी सरकारी दफ्तर में बैठकर रिश्वत लेते हुए दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जानकारी के मुताबिक वीडियो में दिखाई दे रहा शख्स चकबंदी लेखपाल है, जिसने जमीन की पैमाइश के नाम पर रिश्वत ली है, जिसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में अब तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। ये पूरा मामला महाराजगंज जिले के चकबंदी विभाग का बताया जा रहा है, जहां से भ्रष्टाचार की तस्वीरें उजागर हुई हैं। और ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी उपेंद्र कुमार मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। उपेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? वीडियो तेजी के साथ भ्रष्टाचार का वायरल हो रहा है, लेखपाल आसानी से तस्वीरों में कैद हो गया, क्या इस पर कोई एक्शन लिया गया? उपेंद्र, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो उपेंद्र, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी आ रही मैम जी। उपेंद्र, इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन लिया गया है? जी बता दूं आपको कि महाराज जिले के कुली थाना क्षेत्र का मामला है, जहां से चकबंदी को लेकर लेखपाल द्वारा किसान से जमीन की पैमाइश के अनुसार पैसा लिया जा रहा है। रिश्वत लेने का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बिल्कुल, लेकिन अगर उपेंद्र देखा जाए तो महाराजगंज से कुछ दिनों पहले भी इस तरह का एक वीडियो लेखपाल का वायरल हुआ था, जिसमें लेखपाल एक बड़ी रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हुआ था। तब भी ये कहा गया था कि पूरी तरह से महाराजगंज में जितने भी ऐसे अधिकारी हैं, जितने भी ऐसे लेखपाल हैं जो कि भ्रष्ट हैं, उन पर लगाम लगाई जाएगी, उन पर एक्शन लिया जाएगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ही ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जी आपको बता दीजिए, रिश्वतखोरी का ये मामला लगातार जो है बढ़ता जा रहा है और प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा, जिससे इस तरह का ये जो नीचे अधिकारी है वो इस तरह का कदम उठा रहे हैं।
बिल्कुल उपेंद्र, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो महाराजगंज की तस्वीरें जहां पर लगातार एक के बाद एक लेखपालों का रिश्वत लेते हुए वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। चकबंदी लेखपाल ये बताया जा रहा है, महाराजगंज से तस्वीर सामने आई जहां पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को, कितनी आसानी से बड़े आराम से लेखपाल रिश्वत ले रहा है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये जो हरकत है, जो करतूत है, वो कैमरे में कैद हो रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। वहीं इटावा से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई है जो स्वास्थ्य विभाग की पोल खोल रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ तीमारदार अपने मरीजों को लेकर एक्सरे के लिए भटक रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक्सरे करवाने के लिए तीमारदार मरीज को स्ट्रेचर पर डालकर अस्पताल से आधा किलोमीटर दूर तक दौड़ भी लगा रहे हैं। वहीं अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप इटावा से देख रहे हैं जहां पर सरकार के दावों पर सेंध लगाता स्वास्थ्य विभाग कैमरे में कैद हुआ है, जहां पर एक्सरे के लिए मरीज के तीमारदारों को इधर से उधर भटकाया जा रहा है। इसके अलावा जो तीमारदार हैं वो खुद ही स्ट्रेचर ले जाकर मरीज को भर्ती करवा रहे हैं। तो पहली तस्वीर नहीं है, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से ऐसे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की तस्वीरें सामने आती ही रहती हैं। सरकार लाख दावे कर रही हो लेकिन प्रशासन इस पर पलीता जरूर लगाता है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से लचर नजर आ रहा है। इन तस्वीरों में इटावा की तस्वीरें हैं जहां पर अपने मरीज का एक्सरे करवाने के लिए तीमारदार दर दर भटक रहे हैं। ना तो वहां एक्सरे के लिए कोई सुविधा है और ना ही वहां पर एम्बुलेंस है। खुद ही स्ट्रेचर पर करीब आधा किलोमीटर तक जो तीमारदार हैं वो अपने मरीज को लेकर जाते हुए तस्वीरों में कैद हुए हैं। नोएडा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया जहां एक महिला पुलिसकर्मी के प्यार में दीवाने हुए एक शख्स ने अपनी पत्नी और दो मासूम बच्चों की हत्या कर दी। उन्हें घर के बेसमेंट में शवों को छुपा दिया और फिर अपने दोस्त की भी हत्या कर अपनी निशानी छोड़कर खुद की मौत का स्वांग रचा और अपनी प्रेमिका के साथ पहचान छुपा कर रह रहा था। लेकिन दोस्त की हत्या की जांच कर रही पुलिस ने शक के आधार पर उसे धर दबोचा। जब मामला खुला तो उसने अपनी पत्नी और अपने दो बच्चों की हत्या की बात भी कबूल कर ली। अब पुलिस बेसमेंट की खुदाई का उनके बयान की पुष्टि और सबूत जुटाने में जुटी हुई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, नोएडा से ये अजीबोगरीब मामला सामने आया है और ये पूरा मामला बिस्वक थाना का है जहां पर एक शख्स जो कि एक महिला से प्यार करता था उसने अपनी पत्नी और दो मासूम बच्चों की हत्या कर दी और शव को घर के अंदर ही बेसमेंट में छिपा दिया है। इतना ही नहीं, अपनी मौत का नाटक करने के लिए उसे अपने दोस्त की भी हत्या कर दी और अपनी प्रेमिका के साथ आराम से रह रहा था। लेकिन जब पुलिस छानबीन कर रही थी और जिस दोस्त की उसने हत्या की थी उसी मामले में पुलिस ने छानबीन की और उससे पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया है। तो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि क्राइम का ग्राफ जो है वो कितनी तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है। नोएडा के बिस्रा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जहां पर महिला पुलिसकर्मी के प्रेम में पागल युवक ने अपनी पत्नी और दोनों बच्चों की हत्या कर दी। सबूत मिटाने के लिए उन्हें बेसमेंट में ही उनके शवों को छिपा दिया और अपने दोस्त की हत्या कर दी अपनी मौत का स्वांग रचने के लिए। अब देखिए कि दिमाग कहां कहां दौड़ाया गया है एक चीज को छिपाने के लिए या एक चीज को पाने के लिए इतने सारे कत्ल कर दिए। और ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी भूपेश मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। भूपेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? ये बहुत मामला जो है बहुत ही पेचीदा नजर आ रहा है, बहुत ही अजीबो गरीब नजर आ रहा है, किस तरह से पुलिस ने इसका खुलासा किया? बिल्कुल, ये पूरा खुलासा कासगंज पुलिस ने किया है। दरअसल राकेश नाम का जो ये आरोपी था ये 3 वर्ष पहले यहीं पर रहता था और ये अपने ही यहाँ की एक पुलिस में लड़की थी उससे प्यार करता था, तो उसी को लेकर के इसने अपने बच्चों की और पत्नी की हत्या कर दी और उसके बाद उनके शवों को कमरे में दबा दिया और ऊपर से उन्हें वहीं छोड़ गया था और उसके बाद यहाँ से चला गया। यहाँ इसने कासगंज में जाकर अपने मित्र की भी हत्या कर दी और अपना आधार कार्ड वहीं पर छोड़ दिया और जिससे कि लोगों को लगे कि उसकी हत्या, उसकी भी मौत हो गई है। इस मामले में जो इसकी पत्नी थी उसके परिजनों ने एक अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था बिस्तर थाने में, जिसकी पुलिस तफ्तीश कर रही थी और पुलिस को जब पता चला कि इसकी हत्या हो गई है तो पुलिस इस मामले में गंभीर नहीं थी। उसी को लेकर कासगंज पुलिस इस मामले में जांच कर रही थी क्योंकि उसकी दोस्त की हत्या हुई तो पुलिस उस विवेचना में जुटी हुई थी। अब 3 साल बाद इस पूरे प्रकरण का खुलासा हुआ, पुलिस ने
इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। कासगंज पुलिस ने जब इसको गिरफ्तार किया तब इसने खुलासा किया कि इसने अपने बच्चों और बीवी को मारकर एक जगह दफना दिया था। देर रात कासगंज पुलिस यहाँ पर पहुंची और जिसके बाद उस कमरे में लोग गए, वहां पर इसकी निशानदेही पर वहां पर खुदाई हुई और वहां से कुछ जो कंकाल है वो मिले हैं। फिलहाल उनको पोस्ट डीएनए के लिए भेजा गया है, फॉरेंसिक टीम के पास भेजा गया है, उसके आगे की जो जांच होगी। भूपेश, ये जो महिला पुलिसकर्मी बताई जा रही है जिससे ये शख्स प्यार करता था, क्या उसका कोई बयान सामने आया है? नहीं, अभी देखिए उस महिला पुलिसकर्मी के बारे में ज्यादा जानकारी पुलिस ने नहीं बताई है, लेकिन उसका नाम रूबी था और वो वही 2015 में वो पुलिस में भर्ती हुई थी और वो दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं और उसी से यह शादी करना चाहता था, उसी को लेकर इसने पूरा जो प्लानिंग है ये तैयार की थी और इसीलिए इसने अपनी पत्नी और बच्चों की हत्या की थी और इसमें इसके साथ इसका पिता भी शामिल था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भूपेश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नोएडा का यह अजीबोगरीब मामला जहां पर पुलिस महिला पुलिसकर्मी है जिसके प्रेम में ये शख्स पागल हो गया, उसे से शादी करना चाहता था लेकिन पहले से शादीशुदा था, अपनी पत्नी दो मासूम बच्चों की हत्या कर दी, शवों को अपने घर के अंदर ही बेसमेंट में दफना दिया और फिर अपने दोस्त की भी हत्या कर दी और अपना आधार कार्ड उसके शव के पास फेंक दिया ताकि ये लगे लोगों को कि उसकी भी हत्या कर दी गई है। तो नोएडा से एक खबर सामने आई है जहां पर महिला पुलिसकर्मी के प्रेम में पागल युवक ने अपनी ही पत्नी और बच्चों की निर्मम तरीके से हत्या कर दी, सिर्फ और सिर्फ जिससे वो प्यार करता था उससे शादी करने के लिए, जबकि वो पहले से ही शादीशुदा था। फिलहाल इस पूरे मामले में छानबीन कर ली गई है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो शख्स है उसके पिता भी इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे। आगरा से सोशल मीडिया पर पथराव का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक वीडियो आगरा के थाना शाहगंज के मराठा बस्ती टंकी के पास का है, जहां एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के परिवार पर पथराव करते और उन्हें जलाकर जान से मारने की धमकी देते नजर आ रहे हैं। वीडियो बुधवार सुबह का बताया जा रहा है। वही मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया। बता दें कि मराठा बस्ती में रहने वाले अधिकतर लोग मराठा समाज के हैं और उनके बीच में एक परिवार मौहर समाज का रहता है, जहां बीते बुधवार दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद मराठा समाज ने माहौर परिवार पर जमकर पथराव कर दिया। मामले में पीड़ित महिला ने मराठा समाज की महिलाओं और पुलिस पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से छतों पर जाकर जो एक पक्ष है वो दूसरे पक्ष पर पत्थरों से हमला करता हुआ नजर आ रहा है, साथ ही साथ धमकी देता हुआ भी नजर आ रहा है। तो पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आगरा से वीडियो सामने आए हैं। इस पूरे मामले में फिलहाल छानबीन की जा रही है। तो मराठा समुदाय के लोगों ने माहौर परिवार पर जमकर पथराव किया। बताया जा रहा है कि इस पूरी बस्ती में मराठा परिवार जो है वो काफी संख्या में रहते हैं और जो माहौर समुदाय के लोग हैं उनका सिर्फ एक ही परिवार है। ऐसे में किसी बात को लेकर इनके बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि मराठा समुदाय के जो लोग हैं वो छतों पर चढ़ गए और उनके परिवार पर पथराव करने लगे हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।